ओ नो भाई, ये सर्बियन डांसिंग लेडी यहाँ पर भी आ गई थी लास्ट टाइम। खैर, मैं क्या सोच रहा हूँ यार, चुपचाप उठते हैं, धीरे धीरे गाड़ी के पास चलते हैं और फटाफट से बैठ के निकलते हैं। भागो भागो भागो, या फिर एक सेकंड रुको, इसको उड़ाते हुए भागो। ओ भाई भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके नाइस, निकल लो भाई, अभी तेजी के साथ निकल लो फटाफट, लेट्स गो। अबे गाड़ी वाड़ी में चिपट तो नहीं गई वो? नहीं, गाड़ी में नहीं चिपटी है। ओके, उसे टक्कर मार के आ गए। बट लास्ट टाइम तुम लोगों ने अगर लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा भाई, सर्वेंट डांसिंग लेडी सीजन 2, पता नहीं कहेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तक यही नहीं पता चला है कि ये लिटरल एक सर्वेंट डांसिंग लेडी है या फिर नहीं है। तुम लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा यार, अगर तुम लोगों ने पूरी सीरीज देखी होगी तो भाई उसमें हमारे दोस्त ह्यूमन डेविल ने अपनी जान गंवा दी भाई सर्वेंट डांसिंग लेडी को फिनिश करने के लिए। एंड इन द एंड सर्वेंट डांसिंग लेडी का खेल हम लोगों ने खत्म किया था अपने इन्हीं हाथों से भाई, उसे ब्लास्ट किया था। याद होगा यार तुम्हें अच्छी तरीके से, नहीं याद तो पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग जाकर वहां से देख लेना। बट ये सब हो गया था लास्ट टाइम। बट अभी पिछली बार मैं और मतलब मैं फिलहाल अकेले ही गया था कैंपिंग पे, और वहाँ पर ऐसे ही माइकल ने छोटा मोटा सर्बियन डांसिंग लेडी से रिलेटेड एक मजाक किया था। उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल पड़े भाई, जो ये चीता वीता दिख गया हमें, वहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में फर्स्ट टाइम दोबारा से भाई सर्बियन डांसिंग लेडी से हमारा सामना हुआ, और तब तो हमें लगा कि ये नकली है, कोई ऐसी मजाक कर रहा है वैसी कॉस्ट्यूम पहन के। बट देन भाई उस सर्बियन डांसिंग लेडी की कॉस्ट्यूम वाले बंदे ने माइकल पे बुरी तरीके से अटैक कर दिया और उसको पूरा बुरा घायल कर दिया। उसके बाद मैं किसी तरीके से उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, और जब मैं लेस्टर के घर पे पहुंचा तो लेस्टर भी वैसे ही घायल पड़ा हुआ था, तो उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मैं अपने घर पहुंचा। वहां पर मेरे घर पे कोई और ही बंदा घायल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से भाई अब मुझे यकीन हो गया कि शायद ये सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से आ चुकी है। कैसे ये पता नहीं, लेकिन हो सकता है अभी भी, देखो भाई फुल गारंटी के साथ नहीं कह रहा मैं कि ये वही है, लेकिन अभी जिस हिसाब से इसके एक्शंस है, जिस हिसाब से ये दुश्मनी निकाल रही है भाई स्पेशली मेरे दोस्तों से, मेरे ऊपर अटैक करके, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये डेफिनेटली सर्बियन डांसिंग लेडी दोबारा आ चुकी है। बट अभी तुम लोगों ने देखा यार, लास्ट टाइम मैं सीवर में छुप गया था, वहां पर भी वो आ गई थी, अभी मैं वहां से भी भाग चुका हूं, और अभी मैं सोच रहा हूं कि कहां जाऊं। मैं सोच रहा हूं माइकल के घर चलते हैं। यस, तुम्हें याद होगा माइकल लास्ट टाइम ठीक हो ही गया था, उसको मैंने उसके घर पे ड्रॉप कर ही दिया था, तो इस वक्त माइकल के घर पे चलना सेफ है। और वैसे भी कुछ गड़बड़ भी हुई तो दोनों भाई मिलके एक साथ सामना करेंगे उस सर्बियन डांसिंग लेडी का। वैसे थोड़ी ही देर में गए, सुबह भी हो जाने वाली है, तो आई गेस जब तक मैं माइकल के घर पहुंचूंगा तब तक सुबह भी हो चुकी होगी, तो चलो भाई चलते हैं। वैसे एक और चीज़, माइकल घर में अकेला है, उसकी जो फैमिली है वो कहीं गई हुई है भाई, उसकी फैमिली, उसके जो बच्चे बच्चे हैं वो जिमी, ट्रेसी, उसकी वाइफ अमांडा, वो सारे पता नहीं कहाँ गए हैं, कहीं वैकेशन वैकेशन पे। तो माइकल अकेला ही है घर में, तो हम लोग वहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। सुबह हो चुकी है भाई, और अभी भी गाड़ियाँ उतनी चल नहीं रही है, पता नहीं कितने बजे हैं सुबह के। और ये मैं आ चुका हूँ माइकल के घर की तरफ। माइकल बडी, एक काम करते हैं यार, इसके ही घर पे रहते हैं 2-3 दिन तक, यार यहीं पर रहना सेफ है, क्यों इधर उधर भटकना है, यहाँ पर ही रहते हैं। माइकल बडी, माइकल बडी, कैसे हाल चाल मेरे दोस्त, कहाँ है तू? माइकल कहाँ है? इधर है क्या भाई? माइकल नहीं है यार यहाँ पे तो। माइकल बडी, वेयर आर यू? बाकी किचन विचन में है क्या? खाना वाना बना रहा है? ये तो मेड है उसकी, खाना नहीं, बर्तन वर्तन साफ कर रही है। माइकल कहाँ है? माइकल कहाँ है भाई? आई हैव नो आइडिया माइकल कहाँ पर है। माइकल बस सो रहा है क्या? मुझे लग रहा है वो डेफिनेटली अभी तक सो ही रहा होगा भाई। ये है जिमी का रूम, ये है बाथरूम। ओह क्या बात है, काफ़ी स्मार्ट सा लग रहा हूँ मैं। माइकल बडी, बस सुन यार, डिस्कस करना है भाई कि वो सर्बियन डांसिंग लेडी दोबारा आ गई है कि नहीं। कहाँ है भी तू? माइकल बडी, वेयर आर यू? माइकल क्या ये, अभी इसे क्या हो गया? हेलो वेट, माइकल भाई आर यू ऑल राइट बडी? क्या हो गया इसे? ओके गाइस, बेहोश है ये फिलहाल, पूरी तरीके से पीटा गया है इसे। माइकल भाई तू ठीक है? ओए एक सेकंड, पानी वानी छिड़कना पड़ेगा। अबे बाथरूम कहाँ आता है इनका? इसे हो क्या गया? डेफिनेटली गाइस या तो सर्बियन डांसिंग लेडी ने अटैक किया, या पता नहीं किसने, पानी वानी मारते हैं उसके मुंह पे, शायद होश में आया वो। माइकल भाई पानी वानी पी। क्या क्या हुआ, क्या है यार, कुछ बोल ही नहीं रहा है, हुआ क्या है भाई, किसने अटैक किया तेरे ऊपर? अरे बोल तो कुछ, सर्बियन डांसिंग लेडी ने अटैक किया है क्या तेरे ऊपर? यार कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर्बियन डांसिंग लेडी ने अगर अटैक किया है
तो तेरे को कोई बचाने क्यों नहीं आया? और अटैक कब किया? हेलो, इसको यार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। यस भाई, डेफिनेटली इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। एक काम करते हैं, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आते हैं। भाई गाड़ी अपनी बाहर खड़ी है ही, चलते हैं। और इसके घर में CCTV कैमराज वगैरह भी लगे हैं, उसमें चेक करेंगे कि आखिरकार इस पर अटैक किसने किया। वैसे मैं 90% श्योर हूँ कि सर्वियन डांसिंग लेडी ने ही अटैक किया है, बट वो घर में वो मेड है, उसने ध्यान नहीं दिया कि भाई उसके बॉस पे अटैक हो रहा है। पता नहीं क्या वो मेड सो रही थी कि क्या कर रही थी। भाई अभी फिलहाल ये जो माइकल है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, या फिर अभी चेक करूं? यार माइकल, 2 मिनट 2 मिनट तो रुकेगा यार। मैं ज़रा एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ कि तेरे ऊपर अटैक हुआ कैसे। इस जिमी के रूम में से CCTV का एक्सेस लेते हैं गैज, और देखते हैं कि आखिरकार माइकल के रूम में यहाँ पर हुआ क्या। लेट्स फिगर आउट। तो अभी तुम लोग देख रहे हो गाइज माइकल के घर के CCTV कैमरे की फुटेज, और यस मेरे को 90% श्योरेंस थी भाई कि ये सर्बियन डांसिंग लेडी ही होगी, बट अभी मैं 100% श्योर हो चुका हूँ कि ये देखो भाई, सर्बियन डांसिंग लेडी आई, दरवाजे को खटखटा रही है। अब अंदर वाला कैमरा देखते हैं, ये अंदर वाला कैमरा है जिसमें माइकल जा रहा है अभी दरवाजे को ओपन करने के लिए, और माइकल ने जाके जैसे ही दरवाजा खोला, माइकल पे सीधे उसने अटैक कर दिया भाई, बहुत ही बुरी तरीके से। ओ तेरी भाई। अटैक होने के बाद माइकल सीधा किसी तरीके से गिरता पड़ता है यहाँ पर, दौड़ के जा रहा है भाई अपने बेडरूम की तरफ, आई गेस बचने के लिए या फिर तो किसी को कॉल लगाने के लिए। एंड सर्बियन डांसिंग लेडी वाला कैमरा देखेंगे भाई, ये देखो जा रहा है अपने बेडरूम की तरफ, बट गिर रहा है और काफी बुरी तरीके से घायल है, और मुझे लग रहा है घर में जाके बेहोश हो जाएगा। और यहाँ सर्बियन डांसिंग लेडी भाई माइकल को पीटने के बावजूद घर में आ चुकी है, और फिर इस सर्बियन डांसिंग लेडी ने भाई माइकल को मार पीट के भगा दिया और खुद को चेंज कर लिया एज माइकल्स मेड। आर यू सीरियस? और माइकल की मेड बनके ये किचन में चली गई। इसका मतलब जो नीचे मेड है एक्चुअल में वो सर्बियन डांसिंग लेडी है। आर यू सीरियस? क्या? एक सेकंड भाई, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा डेफिनेटली नहीं हो सकता। रुको भाई, ओ यस, वो दिख भी नहीं रही है, और जरा बर्तन देखो भाई, वैसी साफ हो रहे हैं। यहाँ पर सर्बियन डांसिंग लेडी है या फिर वो बर्तन ऐसे, क्या हो रहा है गाइस? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली जो भी हो रहा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और सीरियसली बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा है। ओह, बर्तन शांत हो गए, शायद वो सर्बियन डांसिंग लेडी चली गई। ओ भाई भाई भाई, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले तो माइकल को गाइस हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, माइकल की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है इस वक्त, उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस चल भाई माइकल, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता हूँ मैं। ओ भाई, ये क्या देखा मैंने अभी CCTV की फुटेजेस में, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है भाई, सच में ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था जो भी हुआ, बट अब क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल फटाफट माइकल को गाड़ी में रखते हैं एंड लेकर चलते हैं। चलो भाई चलो चलो, मैंने माइकल को फिलहाल गाड़ी में किसी तरीके से बिठा दिया है भाई, आगे तो बैठने की हालत में है नहीं वो, तो पीछे ही बिठा दिया है अभी उसे, और अभी जल्दी जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर निकलते हैं। भाई साहब, तो CCTV में क्या दिखा तुम्हें समझ में आया गाइस? क्या खतरनाक चीज दिखी है CCTV में? CCTV में ये दिखा सिंपली कि सर्बियन डांसिंग लेडी आई, उसने माइकल के घर का दरवाजा खटखटाया, ठीक है? तो माइकल ने नॉर्मली सिंपली दरवाजा जाके खोला, फिर उस सर्बियन डांसिंग लेडी ने अटैक कर दिया माइकल के ऊपर। माइकल किसी तरीके से भाग के सीढ़ियों पर गिरते पड़ते अपने रूम तक पहुंचा, ठीक है? सिंपली अपने रूम तक तो पहुंच गया, वहां पर फिर सर्बियन डांसिंग लेडी ने खुद का हुलिया चेंज किया और माइकल की मेड बन के वो बर्तन धोने लग गई। व्हाट? एक सेकेंड, ये कहीं उसने ये सब मुझे डराने के लिए तो नहीं किया? पता नहीं भाई जो भी किया उसने, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ। और जब मैं पहुंचा तब मुझे लगा कि भाई वही वही मैं सोच रहा कि ये मेड के सामने ही अटैक किया होगा ना भाई सर्बियन डांसिंग लेडी ने, अगर माइकल के ऊपर अटैक किया है तो इस मेड ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? अरे मेड ही तो वो सर्बियन डांसिंग लेडी थी। और भाई जब मैं देखने के लिए गया तो वहां पर तुम लोगों ने देखा वो बर्तन अपने आप ही साफ हो रहे थे। डैट वॉज रियली डेंजरस भाई। खैर अब जो भी हो, बाकी बात की गहराई को और अभी जो भी डरावनी चीज़ें हुई है इसके बारे में बाद में पता लगाएंगे, पहले माइकल को अभी हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हॉस्पिटल का रास्ता मुझे याद है, चलो भाई जल्दी से निकलते हैं, माइकल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। एक सेकेंड, पीछे ही था हॉस्पिटल, काफ़ी दूर आ गया यार मैं। ओके कम ऑन लेट्स गो। माइकल आई गेस चल सकता है पैदल, हाँ माइकल पैदल भी जाके पहुँच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बस मैं ले जाता हूँ इसे जल्दी से। ये रहा हॉस्पिटल। लेस्टर भी यहीं पर एडमिटेड था ना भाई, पता नहीं वो डिस्चार्ज हुआ कि नहीं अभी तक। आई हैव नो आइडिया। आ जा भाई माइकल जल्दी, लेट्स गो। अरे पहले इसको भी तो उतारना पड़ेगा गाड़ी से। आ जा बड्डी आ जा, बहुत तेरी हालत खराब है यार, कहाँ कहाँ पीटा, चाकू ही चाकू मारा है वो, तो फिर भी टिका हुआ है अभी तक माइकल। आ गए भाई हॉस्पिटल में, लेकिन ये क्या है माइकल भाई। हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर क्या ड्रामा है ये। अबे एक और, हेलो डॉक्टर, हेलो आर यू ओके। अरे डॉक्टर उठने की कोशिश करो। हेलो यार ये बंदे तो उठ ही नहीं रहे। ओ शिट लेस्टर, ओ भाई साहब इस पे भी बहुत बुरी तरीके से हमला किया है। लेस्टर भाई हेलो, ठीक है तू? अरे ठीक कहाँ से होगा, वो ठीक तुम्हें लग रहा है भाई? एक चीज मैंने अभी गैस की, किसी भी डॉक्टर की बॉडी पर कोई भी निशान नहीं है भाई खरोच का। इसका मतलब इनको किसी तरीके से बेहोश किया गया है, इनको मारा पीटा नहीं गया है, डॉक्टर सिर्फ बेहोश है। लेकिन वहीं अगर तुम लोग लेस्टर की बॉडी को देखोगे तो यहाँ पर लग रहा है भाई इस पे बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किए गए हैं चाकू के, जैसा कि हम लोगों ने सीसीटीवी में देखा था जहाँ पर माइकल पे अटैक किए गए थे। अब पता नहीं भाई, माइकल ठीक तो है बट बोल नहीं पा रहा है, चल रहा है लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहा है। क्या क्या भाई, तेरी जवान ववान तो नहीं उड़ा दी? खैर अब जो भी हो, दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माइकल भाई जिस हिसाब से घायल है वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है। और हो गया यार, मुझे लगा ही था वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है और वो हो भी गया। जल्दी क्या करूं मैं भाई, ये सर्बियन डांसिंग लेडी दोबारा आ गई है कि नहीं ये चीज़ तो बाद में पता चलेगी, यहाँ पहले हम लोग अपनी जान ही बचा ले भाई। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन ही हो गई है यार भाई। सीरियसली मैं लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा जब सर्बियन डांसिंग लेडी पहली बार हमारी ज़िंदगी में आई थी, तब अलग अलग पूरे लॉस सैंटोस को उसने डरा रखा था, अलग अलग अफवाहें उड़ती थी कि भाई कोई देख ले तो उसका बैड लक शुरू हो जाता है, फिर उसके संग अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो जाती है, फिर सर्बियन डांसिंग लेडी लोगों को किडनैप कर रही थी, अटैक कर रही थी, लोगों को एक सीक्रेट जगह पे टेलीपोर्ट कर रही थी, पकड़ रही थी भाई, ऐसा सब बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ था। बट इस बार देखो भाई, ये सर्बियन डांसिंग लेडी बस हमारे ऊपर ही और हमारे दोस्तों पर ही अटैक कर लिया है, मेनली भाई देखो माइकल एंड लेस्टर पे और लास्ट टाइम मुझ पे भी। क्या ड्रामा है, कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा। ये सर्बियन डांसिंग लेडी आखिर चाहती क्या है, फिर माइकल के घर पे मेड बन के वो उधर बर्तन। भाई सीरियसली मैं यार, कुछ 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 तो अजीब है, क्या अजीब है मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बट डेफिनेटली हम लोग पता लगाएंगे भाई, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, पता ज़रूर लगाएंगे कि आखिरकार ये सर्बियन डांसिंग लेडी सच में वापस आई है या फिर कोई और है जो सर्बियन डांसिंग लेडी की तरह खुद को पोर्ट्रे कर रहा है। भाई सीरियसली मैं यार, क्या पता कोई खुद को पोर्ट्रे कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, बट पता तो लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यार इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, बट यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में ले जाने पर वो सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से अटैक करेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसलिए हमें कहीं और लेकर जाना पड़ेगा। आई गेस कैओपेरिको आइलैंड इज बेटर चॉइस भाई, वहीं लेकर चलते हैं। वहाँ वैसे हॉस्पिटल है नहीं बट होंगे ज़रूर, मैंने उतना कभी ध्यान नहीं दिया, होगा ज़रूर हॉस्पिटल यार, वहाँ भी तो वो साइंटिस्ट रहते हैं, वो भी तो बीमार पड़ते ही होंगे, तो वहाँ लेकर चलते हैं, वहाँ इलाज करवाएंगे भाई अपने इन दोनों दोस्तों का। आई गेस वहाँ पर सर्बियन डांसिंग लेडी नहीं आ पाएगी। गाड़ी लेकर आते हैं फटाफट, गाड़ी वैसे बाहर ही है, इनको उठा उठा के गाड़ी के पीछे रखते हैं एंड फिर लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे चल के प्लेन के अंदर इन्हें भर के और लेकर चलेंगे कैओपेरिको। लेट्स गो गाइज, लेट्स डू दिस। अगर सर्बियन डांसिंग लेडी से खुद को बचाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई ओके, मैंने माइकल एंड लेस्टर दोनों को भाई अपने इस ट्रक के अंदर डाल दिया है। ये ट्रक मिला कहाँ से था हमें? शायद चर्च के पास से मिला था, हाँ, जब मेरे ऊपर एंड माइकल के ऊपर सर्बियन डांसिंग लेडी ने अटैक किया था। खैर जो भी हो, अभी फटाफट से एयरपोर्ट निकलते हैं गाइज जल्दी से, और फटाफट से भाई वहाँ निकलते हैं कैओपेरिको की तरफ। बट अभी भी ये पहेली सुलझ नहीं रही है यार, ये सर्बियन डांसिंग लेडी दोबारा आ गई है जिंदा होके, क्योंकि तुम्हें याद होगा भाई इसे ख़त्म कर दिया हम लोगों ने, बट दोबारा जिंदा होके वही सर्बियन डांसिंग लेडी आ गई है, या तो कोई और ही मॉन्स्टर है ये जो सर्बियन डांसिंग लेडी की तरह बिहेव कर रहा है, यही सब राज पता लगाने पड़ेंगे। अब कैसे पता लगेगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट डेफिनेटली पता तो लगाना पड़ेगा यार, वरना कब तक ऐसे अपने दोस्तों की जान ऐसे छुपा छुपा के बचाता रहूँगा मैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी तो फिलहाल कैओपेरिको आइलैंड निकलते हैं भाई, वहाँ पर देखो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर साइंटिस्ट रहते हैं, ज़्यादा नॉर्मल पब्लिक के लिए वो है नहीं आइलैंड, बट ऑब्वियस ही बात है कि भाई साइंटिस्ट हैं अगर, तो साइंटिस्ट भी तो इंसान ही हैं, वो भी तो बीमार पड़ती होंगे, तो हॉस्पिटल तो होगा ही उनके लिए एटलीस्ट, तो इसीलिए
वही मुझे बेटर चॉइस लग रही है। ले जाने को मैं नॉर्थ यंगटन भी ले जा सकता हूँ, बट वही है भाई, नॉर्थ यंगटन शायद वो सर्वियन डांसिंग लेडी पहुँच जाए, बट कैयो पेरिको में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। ये सीन है भाई कुल मिला के, मुझे नहीं लगता कैयो पेरिको तक सर्वियन डांसिंग लेडी पहुँच जाएगी, क्योंकि एक तो कैयो पेरिको बहुत दूर है यहाँ से, ऊपर से वहाँ पर ज़्यादा बंदे नहीं हैं और उसको शक भी नहीं होगा, तो इसीलिए कैयो पेरिको इज़ बेटर चॉइस। और मेरा अभी ट्रक भी पलट गया था यार, जब जल्दी होती है तभी ये ट्रक वरक पलटने होते हैं। ओके जल्दी फास्ट, अब बस मुझे कोई ढंग का प्लेन मिल जाए एयरपोर्ट पे पहुंच के। ढंग का प्लेन से मतलब है मेरा कि भाई कोई प्लेन जिसमें इन दोनों बंदों को मैं रख सकूं। ओके लेट्स गो फास्ट, इनका तो खून वून भी साफ हो गया। यस ये देखो भाई दोनों का खून वून भी हट चुका है, ब्लड वगैरह भी, इतनी देर से ये दोनों बेहोशी हैं। बगल में अपने एयरपोर्ट है, यार क्या गाड़ी चला रहा हूँ मैं, बगल में एयरपोर्ट, अच्छा हाँ वहाँ आगे की तरफ है एयरपोर्ट, थोड़ा और चलाना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगा भाई, इतनी स्लो चलाने से बात नहीं बनेगी। वेलकम टू द एयरपोर्ट एवरीवन, जल्दी से पहुँचने वाला हूँ मैं एयरपोर्ट। नाइस ओके लेट्स गो राइट, ओ नाइस, चलो चलते रहो, हट जाओ बे सामने से सारे के सारे हट जाओ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू भाई। ओके गेट खोलो जल्दी, प्लेन एक स्टंट प्लेन हमेशा वहाँ पर रहता है, देखते हैं उसके अंदर अगर दो बंदे फिट आ जाएंगे और मैं उड़ा पाऊँगा तो उसी को लेकर चलेंगे, वरना कोई दूसरा प्लेन ढूंढेंगे। माइकल एंड लेस्टर, क्या दोनों इस प्लेन में आ जाएंगे आराम से? आई डोंट थिंक सो भाई, नहीं इस प्लेन से बात नहीं बनेगी, हमें थोड़ा सा बड़ा प्लेन चाहिए, शायद कोई प्राइवेट जेट, वो रहा सामने है तो वैसे एक प्राइवेट जेट, इससे ऑब्वियसली बात बन जाएगी। और टक्कर नहीं मारनी भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, ओ नो उस प्लेन का थोबड़ा पिचका दिया, पटाएंगे उड़ने की तो हालत में स्टिल वो होगा ही। जल्दी से इन दोनों को रखते हैं यार प्लेन के अंदर और फटाफट से लेकर उड़ते हैं कैयो पेरिको आयरलैंड की तरफ। यस अरे पहले रख तो लूँ मैं खुद बैठ गया उसके अंदर ही, जल्दी से इनको रखते हैं भाई प्लेन के अंदर फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। कहाँ मैंने सोचा था कि भाई जब पहली बार वो सर्वियन डांसिंग लेडी दिखी थी तो मैंने सोचा था भाई लेस्टर से हेल्प लेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या ये दोबारा आ गई है, बट लेस्टर को ही भाई यहाँ हॉस्पिटल ले लेके भटकना पड़ रहा है। तो माइकल ये रहा गाइस, लेस्टर ये रहा प्राइवेट जेट के अंदर, तुम लोग देख सकते हो दोनों को मैंने डाल दिया है और अभी फटाफट से इसको लेकर उड़ना है, टेक ऑफ करना है सिंपली। प्लीज़ भाई टेक ऑफ कर जियो, थोड़ा आई नो थोड़ा सा पिचका दिया है मैंने गाड़ी से टक्कर मार के, बट प्लीज़ भाई टेक ऑफ कर जा। यस आई रिक्वेस्ट यू आराम से, एंड यस हो जाएगा टेक ऑफ, लग तो रहा है। ओके नाइस हो गया गाइस टेक ऑफ, फटाफट से इस प्लेन को इस प्राइवेट जेट को लेकर निकलते हैं कैयो पेरिको आइलैंड की तरफ और वहाँ पर एडमिट करते हैं अपने दोनों दोस्तों को हॉस्पिटल के अंदर। आई होप वहाँ पर इनका इलाज हो जाए भाई, हर तरफ हर जगह से लेके भटकना ही पड़ रहा है मुझे। वेलकम बैक एवरीवन टू कैयो पेरिको आइलैंड, एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्मूथ सी लैंडिंग करने वाला हूँ मैं। नाइस बस 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 आराम से प्यार से, बढ़िया क्या ही ब्यूटीफुल लैंडिंग हुई है। पीछे की तरफ मुझे यार एक ट्रक दिखा, वैसा ही ट्रक जिसमें मैं इन दोनों को लेके डोल रहा था अभी तक, एग्जैक्टली वैसा ही ट्रक मुझे दिखा है यहाँ पर भी, वो रहा देखो। एक काम करते हैं उसी ट्रक में इन दोनों को लेकर चलते हैं यहाँ कैयो पेरिको आइलैंड के किसी हॉस्पिटल पे। चलो चलो फास्ट, वैसे काफ़ी बढ़िया प्लेन था यार, जल्दी आ गए लेके। हाँ भाई कैयो पेरिको आइलैंड काफ़ी जल्दी आ गया हूँ मैं, वरना तो बहुत टाइम लगता है यहाँ पर आने में। ओके वैसा ही ट्रक है एग्जैक्टली, कलर भी बिल्कुल वैसा ही है। चलो भाई चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ओके रखो भाई ने, आई होप बस यहाँ पर कोई ढंग का हॉस्पिटल हो, ढंग का तो छोड़ो बस एक हॉस्पिटल हो वही बहुत बड़ी बात है। भाई दोनों इतनी देर से बेहोश है, दोनों को मैं इतनी देर से लेके इधर से उधर भाग रहा हूँ कि सारा ब्लड सूख गया उनका, बट अभी आ चुके हैं कैयो पेरिको आइलैंड, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवा के और फिर प्लानिंग आगे करनी है भाई, कि आखिरकार उस सर्बियन डांसिंग लेडी का करना क्या है। सबसे पहले तो करना क्या है, कैसे मारना है, ये नहीं मारना क्यों है, पहले तो यही पता लगाना है कि वो रियल है कि फेक है। वैसे जिस हिसाब से वो अटैक कर रही है मुझे तो वही सर्बियन डांसिंग लेडी याद आ रही है, लास्ट टाइम जिस हिसाब से उसने माइकल पे अटैक किया था तुम्हें याद होगा जब फर्स्ट टाइम वो हमें दिखी थी, लास्ट वाले एपिसोड की बात कर रहा हूँ मैं, सीजन 2 के हमारे पहले एपिसोड की, उसमें जिस हिसाब से उसने माइकल पे अटैक किया था भाई उस हिसाब से तो भाई ये एकदम रियल ही सर्वियन डांसिंग लेडी लग रही थी, पावर वगैरह सब यूज़ कर रही थी वो बुरी तरीके से और फास्ट दौड़ रही थी, अलग अलग तरीके की तगड़ी तगड़ी पावर्स का उसने यूज़ किया था माइकल के ऊपर, तभी तो इसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो वो सब देख के तो यही लगता है कि भाई असली ही है वो जो भी है, अब पता नहीं। ओके
इधर चलते हैं फटाफट। हॉस्पिटल उधर ही होगा जहाँ पर वो साइंटिस्टों का घर वगैरह है। पता नहीं वो लोग कितने सालों से रह रहे हैं, कितने सालों से रिसर्च कर रहे हैं, कुछ रिसर्च आज तक की भी है कि नहीं, क्या पता क्या रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। ऐसे है ये कैव पेरू आइलैंड काफ़ी सारे राजों से भरा हुआ भाई, यहाँ पर काफ़ी सारे सीक्रेट्स दबे हुए हैं, शायद उन्हीं में से किसी सीक्रेट्स का पता लगा रहे होंगे। खैर मुझे कुछ मतलब नहीं है साइंटिस्टों से, मुझे बस हॉस्पिटल चाहिए यहाँ पर एक। साइंटिस्टों के घर कहाँ थे? मैं तो भटक गया भाई कैव पेरू आइलैंड में, कौन सा इलाका है क्या पता, कहाँ है उनके घर भाई, ये किधर जा रहा हूँ मैं। देखो मिलिट्री वगैरह का टेंट भी है क्या यहाँ पर? हाँ एक हेलीपैड भी बना हुआ है, देखा भाई हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह को ड्रॉप किया जाता है। खैर उनका घर आएगा सुधर की तरफ है, यस 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 उधर की तरफ, जल्दी चलो भाई फटाफट फटाफट। देख रहे हो तुम लोग इधर कितने अजीबोगरीब पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन यहाँ का कितना अजीबोगरीब है। खैर अबे यार मैं तो भटक ही रहा हूँ, वैसे तो छोटा सा आइलैंड लगता है, ये नक्शे में इतना बड़ा लग रहा है भाई रियल में। वोरा साइंटिस्टों का इलाका इधर ही होगा कोई ना कोई ढंग का हॉस्पिटल, लेट्स गो। इधर हॉस्पिटल कहाँ है? ये तो सारा साइंटिस्टों का इलाका है, इधर तो डेफिनेटली हॉस्पिटल नहीं होगा, यहाँ पर शायद, नो वे यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है क्या? इधर है क्या? आगे चलते हैं, होगा ज़रूर भाई, ये बीमार बीमार नहीं पड़ते क्या साइंटिस्ट? ओके लेट्स गो, इधर चेक कर लिया, इधर चलते हैं। ओ वोरा, यस ये तो रहा छोटा सा हॉस्पिटल, ये देखो भाई एम्बुलेंस भी है, लॉस सैंटोस वाली एम्बुलेंस लग रही है, तो हाँ तो वहीं से लाए होंगे क्या पता। ये रहा हॉस्पिटल, फटाफट से अपने दोनों दोस्तों को एडमिट करवाते हैं जल्दी। ओके फाइनली भाई अपने दोनों दोस्त एडमिट हो चुके हैं, और अब इन दोनों के अलावा अब हम लोग सोच सकते हैं कि आखिरकार वो सर्बियन डांसिंग लेडी रियल है फेक है क्या है, ये सब पता लगा सकते हैं। मैं क्या सोच रहा था यार, देखो सर्बियन डांसिंग लेडी ने अटैक किया है मेरे अभी तक दोस्तों पे। सबसे पहले उसने अटैक किया मुझ पे, यस फर्स्ट टाइम मैं तो बच गया, फिर माइकल लपेटे में आ गया तो माइकल को कूट दिया भाई, बुरी तरीके से पकड़ के कूटा है माइकल को। उसके बाद जब मैं लेस्टर के घर पे गया तो वो भी कूटा हुआ देखा मुझे, पिटा हुआ देखा मुझे, इसका मतलब है वो हमारे दो दोस्तों को तो कूट चुकी है। नेक्स्ट टारगेट फिर से हमारा कोई दोस्त तो नहीं है? वेट अब समझा मैं, वो सर्बियन डांसिंग लेडी वहाँ पर भाई एक मेड बन के क्यों थी? वो शायद मेरे ही आने का इंतज़ार कर रही थी भाई, ताकि वो मेरे पे अटैक कर सके। हाँ क्योंकि अभी तक मैं तो उसके अटैक से बची गया हर बार, तो शायद इसीलिए। ओ यस, फिर उसने अटैक किया क्यों नहीं? पता नहीं भाई क्या रीज़न है, बट वो डेफिनेटली माइकल पर अटैक करने के बाद, जब माइकल वो खुद को भाई रगड़ते रगड़ते अपने रूम में जाके बेहोश हो गया, और फिर मैं आया ठीक है, फिर जब वो मेड काम कर रही थी फिर मैं गया कि भाई इसने देखा तो होगा ही अगर सर्बियन डांसिंग लेडी ने अटैक किया है तो। इसका मतलब वो मेड तो सर्बियन डांसिंग लेडी थी, वो मेड पे ही अटैक करने वाली थी, बट किसी वजह से भाई उसने अटैक किया नहीं और मैं बच गया। खैर जो भी वजह रही हो, थैंक यू सर्बियन डांसिंग लेडी, अगर असली वाली है तो, अगर नकली वाली है भी तो भी थैंक यू भाई। अब बात आती है कि माइकल पे अटैक कर दिया उसने, लेस्टर पे भी अटैक कर दिया, मुझ पे भी अटैक करने की कोशिश कर चुकी है, नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा दोस्त हो सकता है? अपना कौन सा दोस्त एकदम पक्का वाला दोस्त है? ट्रेवर, यस। कहीं नेक्स्ट टारगेट ट्रेवर तो नहीं है? ओह आई गेस ट्रेवर है, ओ नो ट्रेवर के घर जाना पड़ेगा, ट्रेवर के घर जाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो सर्बियन डांसिंग लेडी भाई ट्रेवर के ऊपर अटैक करे, वी हैव टू डू दिस भाई, हमें ये करना पड़ेगा, ट्रेवर की जान बचानी पड़ेगी, वो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट उसका ट्रेवर ही है। जल्दी से एक काम करते हैं, प्लेन लेते हैं अपना प्राइवेट जेट और निकलते हैं भाई ट्रेवर को बचाने के लिए। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा पूरे आइलैंड पे ऐसी ही गाड़ियाँ क्यों हैं, ये देखो यहाँ पर भी, शायद ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग में बेटर होती होंगी क्योंकि पूरे आइलैंड पे अभी तक रोड कहाँ बने हुए हैं, तो इसीलिए। खैर जो भी वजह हो, मेरे को जल्दी से अपने प्राइवेट जेट के पास जाना है और वापस भाई लॉस सैंटोस निकलना है, ट्रेवर की जान खतरे में है, ऑब्वियसली ट्रेवर की जान खतरे में है भाई, वो ट्रेवर पर ही अटैक करेगी, नेक्स्ट टारगेट उस सर्बियन डांसिंग लेडी का ट्रेवर ही होने वाला है और ट्रेवर को मुझे बचाना ही पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हैं, प्लेन की तरफ लेकर चलते हैं। अरे यार पलट मत भाई प्लीज़, प्राइवेट जेट की तरफ लेकर चलते हैं और उसे लेकर लॉस सैंटोस निकलते हैं जल्दी से, और ट्रेवर के पास निकलते हैं क्विकली। नेक्स्ट अटैक ट्रेवर है, पक्का हूँ मैं श्योर हूँ भाई, अपना सबसे पक्का दोस्त वही है, ट्रेवर ही है नेक्स्ट।
चलो जल्दी 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 जल्दी, मेरा प्लेन मतलब मेरा क्या, चोरी का प्लेन, हाँ जो भी हो प्लेन तो प्लेन होता है। आई होप सर्बियन डांसिंग लेडी यहाँ पर अटैक ना करने आए मेरे दोस्तों पे। नहीं आएगी भाई वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर नहीं आएगी, वो डेफिनेटली ट्रेवर पर अटैक करने जाएगी। और इससे पहले कि वो ट्रेवर पर अटैक करे मुझे ट्रेवर की जान बचानी होगी। निकलते हैं गाइस लॉस सेंटोस की तरफ, लेट्स गो। वेलकम बैक टू लॉस सेंटोस। और इस वाले रनवे पे लैंड नहीं करना है, रुको सामने वाले रनवे पे लैंड करना है। एक्चुअली मैं हवा में ही टाइम वेस्ट कर रहा था भाई, ताकि जल्द से जल्द वो पैसेंजर प्लेन अभी एक आया है तो वो लैंड हो जाए, फिर उसके बाद मैं लैंड करूँ। तो अभी वो पैसेंजर प्लेन लैंड कर चुका है, अब मेरी लैंडिंग की बारी है। चलो भाई वो देखो वो रहा सामने वाइट कलर का पैसेंजर प्लेन, जल्दी से अभी मैं लैंडिंग करता हूँ। कम ऑन, एकदम स्मूथ लैंडिंग आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ही चिल, वेरी नाइस, लेट्स गो, बढ़िया। ओ नो भाई, ओ तेरी, ओ पैसेंजर प्लेन हटा भाई, तेरे में ही भिड़ा दूंगा भाई अपना प्राइवेट जेट। इसको इधर साइड में लगाते हैं, मेरी गाड़ी वहाँ पर है। जल्दी से भाई ड्राइवर के पास निकलते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास। ड्राइवर मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त। प्लेन ही लेके चला जाऊँ क्या यार? यस, ये सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, डेजर्ट के पास ही तो है उस ड्राइवर का घर, प्लेन से ही चलते हैं, दिस इज मच बेटर भाई। ओ वाओ, क्या आइडिया सूझा है भाई मुझे। ओ भाई उसका घर डेजर्ट की तरफ ही तो पड़ता है। यस गाइस, ये ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, प्लेन ही लेकर चलते हैं। आ जाओ गाइस, कम ऑन, लॉस सेंटोस के डेजर्ट वाले रनवे की तरफ चलते हैं और इस प्लेन को वहीं पर लैंड करेंगे। भाई साहब कितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं, ज़रा तुम लोग सिनेमैटिक देखो भाई, नीचे सब येल्लो येल्लो स्ट्रीट लाइट्स हैं, नीचे चलती हुई लाइट्स जो हैं वो सब गाड़ियाँ हैं। भाई साहब रात को लॉस सेंटोस क्या ही खूबसूरत दिखता है, और अभी फ़िलहाल और भी ज़्यादा अंधेरी रात हो चुकी है। हर रात को यार प्लेन उड़ाना बहुत मुश्किल चीज़ है, दिन में फिर भी ठीक है, रात को देखो क्या ही नज़र आ रहा है मुझे, रडार वडार में भी कुछ भी ढंग से पता तो चलता नहीं। मैं प्रोफेशनल पायलट तो हूँ नहीं भाई कि कुछ पता चलेगा, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। बस आराम से वो रहा रनवे, अब वो मिलिट्री बेस का रनवे नज़र आ रहा है, ये रनवे नहीं दिख रहा। हाँ दिख गया पिंक पिंक कलर की लाइट्स हैं। चलो भाई आराम से स्लो करते हैं पहले तो प्लेन को, देन लैंड। भाई देखा कितनी जल्दी आ गए, अगर मैं प्लेन रख के गाड़ी से आता तो बहुत टाइम लगता, शायद सर्वेंट डांसिंग लेडी ड्राइवर पर अटैक भी कर चुकी होती। अब ये सही दिमाग लगा गया मैं, बस अब स्मूथ लैंडिंग हो जाए एक बढ़िया सी। चलो चलो चलो, हो जाएगी बढ़िया लैंडिंग हो जाएगी, अच्छा रनवे है ये भी, नाइस। बस बस एंड हियर वी गो, बहुत ही ब्यूटीफुल वाली लैंडिंग। इस प्लेन को यहीं रखते हैं, कभी भी भागने की ज़रूरत पड़ सकती है, और एक गाड़ी रास्ते से उठाते हैं क्योंकि पैदल तो जाऊंगा नहीं मैं ड्राइवर के घर तक। कोई गाड़ी वाड़ी है क्या भाई? कोई भी गाड़ी चलेगी, सड़क से उठानी पड़ेगी लगता है कोई गाड़ी, यहाँ तो मुझे नहीं नज़र आ रही है भाई। हाँ सड़क से ही लूटते हैं, यहाँ पर एक गाड़ी है तो, बट इसमें से धुआं आ रहा है यार, गैराज के आगे खड़ी है, ऑब्वियसली किसी की ख़राब हो गई होगी गाड़ी। बाइक से जा सकता हूँ बट बाइक रात के टाइम पे नहीं भाई, क्या पता सर्बियन डांसिंग लेडी किसी पावर वावर का यूज़ कर दे भाई, इसलिए मेरा मेन ऑप्शन गाड़ी है इस वक्त। गाड़ी दिखती तो नहीं रही ये तो रही, अबे रुक जाओ यार भाई, पास में ही है ड्राइवर का घर, लगता है भाग के जा सकते हम लोग, बट गाड़ी मिल जाती तो ज़्यादा बेटर रहता है। एक आ रही है गाड़ी, रुको ज़रा रोकने की कोशिश करता हूँ इसे। हेलो हेलो भाई साहब, टकलू भाई साहब, थैंक यू फॉर द कार, थैंक यू वेरी मच। ओह नो यार, ट्रेन को भी इसी टाइम पे आना था। अरे सरजी मैं उतरा नहीं, वो बगल वाला, मैं उतर जा भाई, चल उतर। ओके अब चलते हैं भाई ड्राइवर के घर, कम ऑन लेट्स गो। ट्रेन जा चुकी है, बहुत ही बढ़िया, फाटक खुल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, ड्राइवर के घर चलते हैं, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, कहाँ था ड्राइवर का घर? आगे ही है, यहीं इसी वाले रास्ते पे है क्या? हाँ इसी रास्ते पे शायद। अरे ये गाड़ी कैसी है? हाँ इसी रास्ते पे है ये ड्राइवर का घर। चलो भाई कौन सा है लेकिन, क्या पता, ड्राइवर का घर इधर ही है शायद। हाँ ये तो रहा ड्राइवर का घर, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला भाई। सर्बियन डांसिंग लेडी आ गई है भाई ये ड्राइवर के घर पे अटैक करने के लिए। ड्राइवर के घर पे पीछे वाले रास्ते जाता हूँ मैं, रुको ये दरवाज़ा खटखटा रही है, ये डेफिनेटली उसी तरीके से मारने वाली है भाई ड्राइवर को जिस तरीके से माइकल पे इसने अटैक किया था। ड्राइवर सुन बे, गैराज के अंदर आ गया ड्राइवर के। अरे रास्ता कहाँ से है, इधर है क्या खिड़की वगैरह? अब कुछ तो होगा। ड्राइवर भाई चल चल मेरे संग, चुप हो जा बाहर, सर्बियन डांसिंग लेडी है, चल मेरे संग। आ जा जल्दी, इधर आ जा। कहाँ गया ये? अबे गधे जल्दी आ। बेटा सर्बियन डांसिंग लेडी ने देख लिया ना, बहुत ही ज़्यादा तगड़े लफड़े में फंस जाएंगे, उसको दरवाज़ा बजाने दे, फटाफट से आ जा इधर, गाड़ी खड़ी अपनी, आ आ आ फटाफट फटाफट, लेट्स गो, जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ, चुपचाप
चुपचाप चलती बैठ। ओ भागो भाई, ओ बच गए ट्रेवर भाई। मेरा अंदाजा बिल्कुल ही सही निकला, सॉरी भाइयों, मेरा अंदाजा बिल्कुल ही सही निकला भाई। वो सर्बियन डांसिंग लेडी तेरे ऊपर ही अटैक करने आई है। क्या तुझे कुछ नहीं पता इस बारे में? अरे हाँ, तुझे बाद में बताऊंगा ये कहाँ से आई, कैसे आई, वापस कैसे आ गई, ये सब लंबी चौड़ी कहानी है। अभी यहाँ से भागना जरूरी है, अभी यहाँ से भागना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट्स गो। चलो भाई चलो। अरे क्या हो गया मैडम, लिफ्ट चाहिए? बे यार ड्राइवर, लिफ्ट दे दें क्या? आ जाओ मैडम, बैठ जा गाड़ी में, लिफ्ट दे रहे हैं आपको। ओके मैडम, कहाँ जाना है बता देना। फिलहाल अभी ड्राइवर हम लोग कहाँ चले, एक काम करते हैं ड्राइवर, यहाँ से निकलते हैं भाई किसी सेफ जगह पे। अपने जो बाकी दोस्त हैं यार, उन्हें तो पेरिको आइलैंड में मैं रख के आ गया हूँ, और अभी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं यार हम लोग भी किसी सेफ जगह पे। वैसे ओरिजिनली मेरा प्लान था कि हम लोग भी पेरिको आइलैंड निकल चलते हैं, लेकिन भाई क्या पता बार बार हम लोग वहाँ पर जाएँ तो वो सर्बियन डांसिंग लेडी को शक हो जाए, देख ले, या किसी तरीके से उसे पता चल जाए कि हमारे दोस्त पेरिको आइलैंड में है, तो गड़बड़ वगैरह हो सकती है, समझ रहा है ना भाई तू ड्राइवर। इसीलिए हमें इधर ही छुप के रहना चाहिए, और माइकल और लेस्टर का पेरिको में इलाज अच्छे से हो जाने देते हैं। बाकी मैडम आपको कहाँ उतारना था? हेलो, वेट, ये कपड़े, ओ नो, क्या ट्रेवर भाग, ये वो जिसको लिफ्ट दिया, ये सर्बियन डांसिंग लेडी निकली, ओ भाई, ओ नो, भाई साहब, एक सेकेंड, इसने मतलब फिर से भाई इसने अपना भेष बदला था, इसने फिर से खुद को चेंज किया था, एज ए नॉर्मल लेडी प्रिटेंड किया, लिफ्ट मांगी, और ये सारी बातें हमारी सुन ली इसने कि मैंने भाई लेस्टर और माइकल को एडमिट किया हॉस्पिटल में, वो भी पेरिको आइलैंड। मुझे लग रहा है हमें वहां से भी निकालना पड़ेगा। ओ नो, गड़बड़ हो गई। अब यार ये सर्बियन डांसिंग लेडी इस बार तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गई और बहुत ही ज्यादा फास्ट भी हो गई है। आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग एंड ट्रेवर कहां है। वेयर इज ट्रेवर भाई, ट्रेवर लिटरली कहाँ है पता नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं भाग रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये, पता नहीं भाई ये सर्बियन डांसिंग लेडी का वर्जन 2 है या फिर नहीं, अभी तो यही फिगर आउट नहीं कर पाए हम लोग कि ये रियल वाली सर्बियन डांसिंग लेडी है या फिर नहीं, बट जल्दी फिगर आउट करेंगे, और अपने दोस्तों को भी बचाना पड़ेगा। इस बार की ये सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और पिछली बार वाली भी खतरनाक थी, लेकिन वो पूरे लॉस सेंटोस के लिए खतरनाक थी, ये तो हाथ धो के हमारे ही पीछे पड़ गई है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फिलहाल गाइस तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय, भागो।